Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua. Today we are going to cover the world famous novella, The Old Man and the Sea, written by the very popular American writer Ernest Hemingway. This is part of BA English Honors Semester 6, Paper 2, Modern Literature for Lucknow University students. This novel was written by Ernest Hemingway in 1951 and got published in 1952. We can say this to be the last major work of fiction by Hemingway that was published during his lifetime. Ernest Hemingway inka lifespan 1899 to 1961 aur middle name tha inka Miller. Ernest Miller Hemingway बहुत ही पॉपुलर अमेरिकन नॉवलिस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर और जर्नलिस्ट रह चुके हैं। हेमिंग्वे ने एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी प्रोवाइड की थी, दैट इज आइसबर्ग थ्योरी। आइसबर्ग थ्योरी का मतलब है कि राइटिंग्स में, फिक्शंस में आइसबर्ग थ्योरी पहुंचती है रीडर्स तक। रीडर्स सिर्फ कैरेक्टर्स, नैरेटिव या फिर प्लॉट देख पाते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ छुपा होता है जो कि राइटर के दिमाग में कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली होता है। जैसे कि राइटर की लैंग्वेज, राइटर के ट्रेडिशन, राइटर के पॉलिटिकल व्यू पॉइंट, राइटर के मॉरल्स, एटिकेट, रिलीजन एंड सो मेनी थिंग्स। कई बार इवन राइटर्स भी उसको नहीं पहचान पाते हैं कि वो जो सरफेस लेवल रीडर्स को प्रोवाइड करें वो क्यों कर रहे हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ आइसबर्ग की ओनली टिप ऑफ द स्टोरी रीचेस टू द रीडर्स एंड सो मच इज अंडरलाइंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम कवर करने वाले हैं ओल्ड मैन एंड द सी एंड इट गॉट पब्लिश्ड इन 1952। द स्टोरी इज अबाउट द फिशरमैन सैंटियागो। इट इज द स्टोरी ऑफ एन एपिक स्ट्रगल बिटवीन एन ओल्ड सीजन फिशरमैन सैंटियागो एंड हिज लाइफ्स ग्रेटेस्ट कैच ऑफ द फिश। सैंटियागो इज एन एजेड क्यूबन फिशरमैन। क्यूबन ये आपको याद रखना है बिकॉज दिस कैन बी एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड फॉर 84 डेज ही हैज सेट आउट टू सी बट एवरी टाइम रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। 84 डेज से उन्हें सक्सेस नहीं मिली है एंड हेंस सोसाइटी ट्रीट्स हिम अनलकी। आसपास के सभी लोग मानने लगे हैं कि सैंटियागो बहुत ही अनलकी है और सैंटियागो के साथ जो भी पर्सन एसोसिएट होगा वो पर्सन भी अनलकी हो जाएगा। सैंटियागो के साथ उनका एक यंग ट्रेनी है जिसका नाम है मैनोलिन। वेरी यंग डिवोटेड अप्रेंटिस एंड द ग्रेट फ्रेंड ऑफ मैनोलिन। मैनोलिन सैंटियागो को अनलकी नहीं मानते। मैनोलिन ऑल्दो वाज फोर्स्ड बाय हिज पेरेंट्स टू लीव द ओल्ड मैन इन ऑर्डर टू फिश इन अ मोर प्रॉस्परस बोट, स्टिल द बॉय कंटिन्यूज टू केयर फॉर दिस ओल्ड पर्सन फिशरमैन सैंटियागो एंड गोज टू हिम एवरी नाइट, प्रोवाइड्स हिम विद व्हाटएवर ही कैन, फूड एंड ऑल द अदर कंफर्ट्स एंड ही ऑलवेज हेल्प्स द ओल्ड मैन एज फार एज पॉसिबल। इन दोनों की बातों का मेजर टॉपिक हमेशा होता है बेसबॉल और सैंटियागो के एक हीरो हैं दैट इज जॉन डिमेग्यू। जॉन डिमेग्यू वाज द ग्रेटेस्ट ऑलराउंड बेसबॉल प्लेयर। सैंटियागो को पूरा यकीन है कि जल्दी ही वो एक बहुत बड़ी फिश पकड़ेंगे एंड 84 डेज हो चुके हैं। अब बारी आती है 85th डे की जहां से हमारी स्टोरी का प्लॉट राइज होता है। On the 85th day, Santiago does as he promised, sailing his ship far beyond the island's shallow area से बहुत दूर चले जाते हैं, deep areas में, and he enters into the Gulf. Gulf area में enter कर जाते हैं and he prepares his lines, सारी तैयारियां करते हैं, bait लगाते हैं और fish को पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और फिर क्या होता है, एक marlin उनके उस bait में फंस जाती है। But that marlin was so huge beyond the expectations of Santiago. जितनी पावर सैंटियागो ने उनको पकड़ने में लगाई, मार्लिन के पास उससे कहीं ज्यादा पावर है। He Santiago expertly hooks the fish, but is unable to pull it क्योंकि फिश बहुत हेवी है और बहुत स्ट्रगलफुल भी है। फिश भी अपनी स्ट्रगल बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। फिश itself begins to pull the boat with the old man. पूरा दिन मार्लिन फिश और सैंटियागो की स्ट्रगल चलती रहती है। थ्रू आउट द डे फिश पुल्स द बोट इवन इन द नाइट एंड थ्रू अनदर डे एंड थ्रू अनदर नाइट टू। द
दिन दो रात हो गए हैं। ड्यूरिंग ऑल द टाइम सेंटियागो एंड्योर्स द कांस्टेंट पेन होल्डिंग द फिश लाइन। सेंटियागो कंटिन्यूअसली उस फिश लाइन को पकड़कर खड़े रहते हैं जिससे कि मार्लिन एट प्रेजेंट जुड़ी हुई है। फॉर एवरी अटेम्प्ट ऑफ फ्रीडम बाय फिश द कॉर्ड कट्स हिज बॉडी। जितना वो उस कॉर्ड को पकड़कर खड़े होते हैं मार्लिन भी अपना पूरा जोर लगा रही है और सेंटियागो की बॉडी हर्ट होना शुरू हो जाती है धीरे धीरे। द ओल्ड मैन फील्स अ डीप एम्पैथी एंड एडमायरेशन फॉर इवन द फिश। ओल्ड मैन भी बड़ा एडमायर करते हैं कि फिश फिश इज नॉट गिविंग अप इजीली। अपनी पूरी स्ट्रगल कंटिन्यू की हुई है फिश ने भी। इस फैक्ट को सेंटियागो बहुत एडमायर करते हैं। ऑन द थर्ड डे फिश थक जाती है पूरे तरीके से। फिश इज टायर्ड। लास्ट डे और थर्ड डे यू कैन से द फिश टायर्ड्स एंड सेंटियागो हुम बिकम्स डिप्राइव्ड एंड नियरली डेलिरियस। इन्होंने भी कुछ खाया भी नहीं 3 दिन से। ही समहाउ मैनेजेस टू पुल द मार्लिन इन द बोट समहाउ। फिश की वुंडेड बॉडी को अपनी बोट में कैरी कर लेते हैं सेंटियागो किसी तरह और सोचकर बहुत ही खुश हैं कि किस तरीके से लोग मुझे एडमायर करेंगे और इतनी बड़ी फिश की क्या वैल्यू होगी मार्केट में। एंड ही थिंक्स ऑफ द पीपल जो इस फिश को खाएंगे बिना ये जाने कि हाउ ब्रेव एक्चुअली दिस फिश वॉज। मार्लिन की खुद की बॉडी में बहुत ज्यादा घाव थे और उनका खून निकल रहा था और उसकी वजह से पानी में उनके खून के ट्रेसेस छूटते रहते हैं जो कि शार्क्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। शुरू शुरू में एक या दो शार्क आती हैं जिनको इजीली सेंटियागो मैनेज कर लेते हैं अपने हार्पून की हेल्प से किल कर देते हैं। अनदर स्ट्रगल स्टार्ट्स फॉर सेंटियागो एंड ही फाइट्स एज बेस्ट एज ही कैन। ही कीप्स ऑन किलिंग द शार्क्स बट अल्टीमेटली नोज दैट इट हैज बिकम यूजलेस। जब तक शोर पर पहुंचते हैं सेंटियागो बाय दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली द स्केलेटन एंड अ लिटिल हेड ऑफ मार्लिन इज लेफ्ट। सेंटियागो 3-4 दिन के स्ट्रगल के बाद बिल्कुल टायर्ड हो चुके हैं और घर आकर बिल्कुल डीपली सो जाते हैं। और देखिए नदी के किनारे पर क्या हो रहा है। सारे आसपास के फिशरमैन बहुत ही सरप्राइज्ड हैं कि सेंटियागो ने एटलीस्ट एक बहुत बड़ी फिश पकड़ी थी। ऑल्दो इट इज अ स्केलेटन बट एवरीवन इज एडमायरिंग हिम एडमायरिंग द ओल्ड मैन्स स्ट्रगल। एंड मेनोलिन इज द ओनली पर्सन जो कि ये सोच रहे हैं कि सेंटियागो कहाँ है अभी तक। ही वाज वेरी वरीड अबाउट ओल्ड मैन्स एब्सेंस फॉर लास्ट 4 डेज एंड ही फील्स सेटिस्फाइड आफ्टर सीइंग द ओल्ड मैन सेफ इन हिज बेड। आराम से सो रहे हैं एंड ही फेचेस द ओल्ड मैन सम कॉफी एंड सम डेली पेपर्स अबाउट द स्कोर्स ऑफ बेसबॉल। जितना हेल्प आउट कर सकते हैं सेंटियागो को उतना करते हैं कंफर्टेबल फील करवाने के लिए। बिल्कुल लास्ट में हमें दिखाया गया सेंटियागो बहुत ही डीप स्लीप में चले जाते हैं एंड ड्रीम्स अबाउट लॉयंस। He dreams about lions at play on the beaches of Africa as usual. He has dreamt about this in past as well. When Sentiego dreams of lions, he is remembering his youth, the time of his life when he was very strong and capable and sturdy. And this dream basically shows a kind of symbolism that he is comparing his youth and his present old age. Let us have a look at some of the beautiful quotes from this story. But man is not made for defeat. A man can be destroyed but not defeated. This is very popular quote for competitive exams. Now is no time to think of what you do not have. Think of what you can do with what there is. Every day is a new day. It is better to be lucky. But I would rather be exact. Then when luck comes, you are ready. Why do old man wake so early? Is it to have one longer day? All these quotes can be there in any subjective or objective exam. And now some questions for you. Please do answer in comments. When the novella opens, how long has it been since Santiago last caught a fish? 40, 84, 87 or 120? Who is Santiago's hero? Harry Truman, John DiMaggio, Dick Sisler or Fidel Castro? Which year was The Old Man and the Sea published? 50, 51, 52 or 53?
यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट पेयर. ग्रेट गैट्सबी बिलोंग टू शिकागो, ओल्ड मैन एंड द सी, द कैरेक्टर बिलोंग टू क्यूबा, फॉर हूम द बेल टॉल्स इटली, द साउंड एंड द फ्यूरी बोस्टन. विच वन ऑफ दीज इज द करेक्ट वन? I hope you loved the video. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in the form of comments.